जो हर नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन YouTube चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। तो संगवारियों, आज मैं अपन पर लेके आया हूँ आज मैं आप मन पर लेके आऊँ संगवारी हो डोहरू फोटू के साग के रेसिपी। जी हाँ संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध है ये डोहरू फोटू हा। वैसे एक बार वीडियो थोड़ा लेट से आते, एक बार आप मन मोल क्षमा करो, तबियत की वजह से वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। ये बने तो काफ़ी समय हो गए संगवारी हो, तो मैं कहूँ कि वीडियो बने ही तो लगे, हाँ डाल भी देता हूँ, यानी कि देरी सही पर आप मन के बीच परोस देता हूँ ये वीडियो ला। तो आओ फिर देखते हैं कैसे मैं बना के तैयार करें। आप फिर शुरू करते हैं आज के हमारे लिए स्वादला। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो ला लाइक शेयर, संगे में जो भी नवा है हमारे यूट्यूब परिवार में सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर शुरू करते हैं। डोहरू फोटो ये देखा हो आप मन, हाँ देखिए मैं कुछ ऐसे दिखते संगवारी हो, जैसे कि आप मन ला दिखा तो ही ये खाए में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते, संगे में पौष्टिक गुण से एकदम भरपूर होते। तो एक अरा मैं ले ले हूँ अच्छे से साफ करके फुटूला, फुटू या पुटू जो भी आप मन बोला तो हो। तो एक अरा संगवारी बहुत अच्छे से धोना है, काबर की माटी के अंदर होते तो रगड़ रगड़ के एकदम अच्छा से घंटा दो घंटा तक धोने लगते। तो इला बहुत अच्छा से धो रहे हूँ मैं, और धोए के बाद में देखो इला काटना कैसे आगे मैं आप मन ला बता रहा हूँ। तो ये देखो संगवारी हो, इला आप मन छोटे छोटे टुकड़ा में करके इला काट देना है, ये देख सकता हो आप मन। हाँ जो अगर डोहरू वाले भाग है ओला आप मन ला पहले अलग कर देना है, और बाद एला छोटे छोटे टुकड़ा में काट के या चीर के आप मन है ये देखो ऐसे आप मन काट सकता हो। वैसे अगर पहले और भी वीडियो में बना हो जिमें इला अच्छा तरीके से आप मन ला काटे के बताऊँ, काटे पर हर कोई ला आते एक साथ बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊँ। तो बस संगवारी आप मन ला 20 से 2-3 बार चीरा लगा के आप मन ला टुकड़ा में इला काट देना है, ये देखो जितका बड़े या छोटे आप मन ला काटना है। तो ऐसे करके ये हमारे फुट्टू साग बनाए पर एकदम तैयार है। अभी एला एक बार और धोबो है ना, तो चलो फिर एला मैं पानी में भिगा देता हूँ, जब तक मैं चूल्हा में आगे भी धरा लेता हूँ। एक अरा देख सकते हो संगवारी हो, चूल्हा में आगे धरा दे हूँ, कढ़ाई भी चढ़ा देता हूँ। ये फुट्टू के साग बहुत स्वादिष्ट लगते संगवारी हो, और मोला तो बिकट पसंद आवे। अब इमें डाल देबो संगवारी हो जरूरत के हिसाब से तेल। अब ये देखाओ ये साइड में फुट्टूला धो धोए बर जो है और रख दे हूँ। पानी ला अच्छा से निचोड़ के हमला एला निकाल लेना है, थोड़ा देर भिगन देबो ओकर बाद। तो चलो फिर अब जरूरत के हिसाब से तेल डाल देते हैं। वैसे आप मन के बीच में जो भी वीडियो में शेयर करें हो सबके तरीका अलग अलग ही, विधि अलग अलग है, आप मन जरूर से देख सकते हो संगवारियों, आप मतलब पसंद भी आई। एक अरा थोड़ा जीरा डालबो आधा चम्मच के आसपास, जीरा जैसे चटक जी वैसे तेज पत्ता डाल देबो। फोटो की मात्रा के हिसाब से ही आप मतलब बाकी सब सामग्री डालना है, मोर करे ज़्यादा मात्रा में फोटो है तो मैं वो हिसाब से डाला था। एक रस संगवारी हो तेज पत्ता अच्छा से रंगान दे, यानी कि अगर कलर बदल जाए जैसे ना वैसे, ये देखा हो आप मन। हाँ मैं टमाटर अदरक लहसुन और प्याज काट के ले हवाऊँ, ये सब ला हमला पहले तलना हो ही। तो एक अदरक और लहसुन ला मैं यहाँ कुच रहा हूँ संगवारी हो, एक से स्वाद बहुत बढ़िया आते। आप मन पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकता हो, जेला डाल के अच्छे से भून देना है। फिर लगे हाथ प्याज भी डाल देना है, अवेला भी अच्छा से हमला भूनना है कलर के आतला कच्चापन के जातला। ये देखो संगवारी हो प्याज ला भी डाल दे हूँ अच्छा से, इला भून दे हो जिसे प्याज में अच्छा से कलर आ जाए ना, ये देखा हो आप मन। हाँ जिसे कि आप मतलब दिखा थोड़ी बिल्कुल ऐसे ही, और बाद आगे हमला टमाटर लाई में डालना है। ये देखो संगवारी हो बहुत अच्छे से रंग आ गए प्याज है, अब इनमें टमाटर भी डाल देबो। लगभग 4 टमाटर ले रहे हूँ, 3 प्याज ले रहे हूँ मैं यहाँ। एक अरा अच्छा से अब हमला भूनना है, सबसे पहले मैं मसाला ही तैयार कर रहा हूँ, अभी ला ढाक ढाक के बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर है नरम नहीं हो जाए और अच्छे से गल नहीं जाए तब तक के बहुत अच्छे से हमला। ये देखो संगवारी हो बढ़िया से टमाटर की गलत हवे, तैला ढक ढक के अच्छे से पकावो आप मन चाहो तो नमक भी छिड़क सकते हो, जेकर से बहुत जल्दी टमाटर जो है गल जाते। एक अरा मैं नमक डाल देता हूँ, और नमक डालने के बाद में इला चला देखो, या फिर सब मसाला ला साथ में भी आप मन डाल सकता था आप मन की इच्छा है। एक अरा हल्दी पाउडर जरूरत के हिसाब से, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ले हमें, और लाल मिर्ची के पाउडर अपन स्वाद के हिसाब से, ये सब चीज़ आप मन डाल देना है। और हाँ एक अरा मसाला ला सूखा डाले हूँ, आप मन चाहो तो पानी में गीला करके डाल सकता था, जेकर से मसाला जले गए हैं स्वाद भी बहुत बेहतरीन हो जाते हैं आप मन की इच्छा है। अच्छा से इला चला देना है, अगर आप मन लगा तो तेल की कमी है या फिर मसाला आपके थोड़े चिपकाते आप मन पानी भी छिड़क सकते हो। ये देखा आप मन कतेक बढ़िया हमारे मसाला जो है बना था संगवारी हो, टमाटर भी काफ़ी अच्छे से जो है गल चुके हवे, थोड़ा उगल ही। एक तरह देखो मैं तेल से चला देता हूँ, आप मतलब दिखा रहा हूँ कि मसाला कहीं चिपके भी नहीं है और बहुत अच्छे से यह हो चुके हैं।
गरम मसाला हमन हा लास्ट में डालबो, एकर सती गरम मसाला भी एकर में डाले हूँ। थोड़ा पानी छीटे हूँ, मैं देख सकते हो पानी डाल के इला अच्छे से चला दे हूँ ताकि मसाला भी अच्छे से मिल जाए। और बस ऐसे ही हमारा मसाला ला पहले तैयार कर लेना है। ये भी आप मन अपन इच्छा अनुसार खड़ा मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, जितना आप मन मसालेदार बनाना चाहते हो बना सकते हो। वैसे फोटो के साथ सिंपल भी बनाओ मसालेदार भी बनाओ, बहुत स्वादिष्ट लगते संगवारी हो, और अपन आप में ही स्वाद बहुत बढ़िया होते। एक बार देख सकते हो ढक के मैं थोड़ा देर पका हूँ, मसाला काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं जैसे कि आप मन दिखा थोड़ी, ये थोड़ा सा वो सूखी और मैं निकाल दूँ। ये जो डोहरू फूटू होती वो हाँ पके में थोड़ा समय लेते संगवारी हो, तेकर साथ ओला हम सीधा मसाला मनी पकान अलग से भूंज के वाला पकावो। तेकर हमार मसाला अच्छा से हो चुके हवे, चलो फिर एला निकाल देथन। और निकाले के बाद हमार आगे के जो स्टेप है ओमे हमन चलथन। बहुत अच्छा से हो चुके हैं मसाला, तेल भी छोड़ दे किनारे से, आप मला दिखत भी होई। चलो एला निकाल देथन संगवारी हो, ये हमार मसाला एकदम तैयार है फूटू पर। सेम कढ़ाई ले हूँ मैं, आप मन चाहो तो दूसर कढ़ाई ले सकता हो, आप मन की इच्छा है। सेम कढ़ाई एकर सती ले हूँ काबर की एमे मसाला चिपके हुए और स्वाद बढ़िया संगवारी हो, तभी कढ़ाई में ले ले हूँ। ये आप मन की इच्छा है, आप मन बदल भी सकत हो या धो के इस्तेमाल कर सकत हो। एक फिर से 1 से 1.5 चम्मच तेल डालबो और तुरंत ही हम धुले हुए फोटो डाल देबो। फोटो ला हमला अब अच्छा बहुत अच्छा है काबर की ये फोटो पके में थोड़ा सा समय लेते, एकर सती हमला बहुत अच्छा से पका लेना है। जिसे आप मन ढाको ना आपके फोटो हा बढ़िया से पानी छोड़ना चालू कर दे ही। तो ये देखो मेला तो छोड़ दूँ थोड़ा देर बाद, ये देखो संगवारी हो थोड़ा देर बाद तोपे रहे हो ना, तो एकदम अच्छा से पानी छोड़ दे और यह अपने पानी में पक जाते। वैसे आप मन एक सूखा साग बना सकते हो या मैं जिसे चपचपा बना के तैयार करे वैसे भी आप मन बना सकते हो। ढक ढक के लगभग 12-15 मिनट तक तेल पका ले संगवारी हो, जब तक अगर पानी सूखने जाए। बहुत अच्छे से पानी सूखे के बाद ही हमला आगे के स्टेप में जाना है। ये देखो मैं यहाँ दबा के दिखाता हूँ कि अच्छा से ये हो गई कि नहीं हो गई। वैसे ये फुटू हुआ बहुत अच्छे से पके के बाद ही हल्का से कच्चे टाइप के मतलब दांत में लगते, तो ये एक जो है नेचुरल प्रकृति हरे संगवारी हो वो इस स्वाद में आते ही। तो एक हरे संगवारी हो देख सकता हो जैसे हमारे फुटू अच्छे से होई से पानी सूखी से, मैं जो मसाला रही से ओला डाल दे हूँ। बहुत मन इला कुकर में भी पका देते काबर के लिए लंबा समय तक पकाना होते, जेकर वजह से कुकर में आसानी से पक करके 2-4 सीटी लगा देते ताप। तो एक देख सकते हो सब मसाला डाले के बाद एकदम लपेटा वाले हमारे सागे कर बना थे। आप ऐसे ही सूखा रोटी के संग भात पसंद है, हल्का से आप मन चपचपा बनाना चाहते हो तो आगे जिसे मैं कर रहा हूँ आगे के स्टेप वो वाले आप मन फॉलो करो। एक देखो संगवारी हो बहुत अच्छे से हमारे मसाला मस्त मिल चुके हैं फोटो का, और दिखे में बहुत बढ़िया दिखा था। जो बर्तन में फोटो के मसाला निकाले रहे हूँ वो मैं थोड़ा पानी डाल के धो के डाल दे हूँ, इला फ्रिज में चला देता हूँ। बहुत ज़्यादा पन यहाँ नहीं संगवारी हो एकदम हल्का से लसलसा मसालेदार, तो ये मज़ा आ जाते खाने में चावल के संग में। ये देखो संगवारी हो बढ़िया से मैं चला दे हूँ और बहुत अच्छा से ये हुआ थे, इला ढक दे वो थोड़ा देर पर। जिसे यह अच्छा से डबक ही ना इमें गर्म मसाला डाल देबो, और आधा चम्मच गर्म मसाला डाले के बाद इला फिर से खो देबो। एक हरा देखा हो बहुत अच्छा खुशबू आते, हरे धनिया के पत्ती आप मन डाल दो और कर बाद ये बन के बिल्कुल तैयार है। एक बढ़िया आते संगवारी हो, तो ये देखो संगवारी हो हमारा साग एकदम बन के तैयार है। बस एला अपन भात के संग में एंजॉय कर सका था, कैसे लगे बताओ जरूर। आशा करता हूँ संगवारी हो आज के स्वाद आप मन पसंद आई सोई, ऐसा तो आप मन भी ए तरीका से बनाओ खाओ और अपन अनुभव ला कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करो। चलो फिर मिलता हूँ अपन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक तो गुरमोला देवीदा नमस्कार।